आपका पावलाव। इवान पावलाव, इनके सिद्धांत को भी हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। पहले तो इनके सिद्धांत का नाम बताइए। ये सब्जेक्ट का पढ़ रहे होंगे, पावलाव के सिद्धांत नाम बताइए, कम से कम नाम है बता दीजिए, पूर्व ज्ञान दे दीजिए थोड़ा। हाँ क्या, अरे जोर से बोलिए लिपराइड, इतने दिन मैं करती हूँ लिपराइड, लेकिन उसकी भी लिमिट है, या आप बोलेंगे नहीं ना तब तक मैं अपना कान बंद की रहती हूँ। बताइए क्या है नाम। प्रमुख तीन नामों से हम इसको जानते हैं, या तो इसको अगर पूछा जाए, ये प्रश्न आया हुआ इस बार भी, शास्त्रीय अनुबंधन, तो अक्सर इस नाम से लोग नहीं जानते, लेकिन पावलाव ने ही ये शास्त्रीय अनुबंधन दिया गया। दूसरा है उद्दीपक प्रकार, ठीक है, एस टाइप का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उद्दीपक, तो उस टाइप का सिद्धांत भी किसने दिया, पावलाव ने। तीसरा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये भी किसने दिया, पावलाव। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया, पूछा जाए कौन सी प्रकार की आपकी क्रियाएं थी, तो जो आपके प्रतिवादित या प्रत्यावर्ती, जो आपके जो रिफ्लेक्टेड आपके अनुक्रियाएं होती है, उस पर इन्होंने अध्ययन किया। अब सुनिए, दो प्रकार के आपके क्रियाएं होती हैं, क्रिया प्रसूत या प्रत्यावर्ती, ठीक है। क्रिया प्रसूत जिसपे आपका क्या हो, कंट्रोल हो, और ये वाले क्या होते हैं, जिसपे आपका कंट्रोलिंग ना हो, जैसे पलक झपकाना, तो आप जान के झपकाते हैं नहीं ना, तो रोक के दिखाइए नहीं ना, कंट्रोलिंग है बहुत, माने उसको थोड़ी देर रोक, छींक आना तो ठीक है, रुक जाइए, वही बार बार कहती हूँ, उंगली का नाम ले तो मुंह में पानी आता, वो छोड़ दीजिए। कोई आपकी फेवरेट चीज़ है और आपको मन है खाने का, तो क्या आपके मुंह में पानी नहीं आता, आता है ना, क्या जान के आता है, अपने से आता है ना, मतलब वो फिक्स नहीं, आपके कोई कंट्रोलिंग नहीं है उस प्रकार की आपकी अनुक्रियाओं पे इन्होंने सिद्धांत दिया। जिस आप जानते होंगे कुत्ते की लार पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और कोई लार जान के गिराता नहीं, और वहाँ क्या किया था, वो तो भूख और भोजन, वो तो देख रहे हैं क्या इसमें कितना डिफरेंस है, लोग एक जैसा मानते हैं कि किसी ने किसी के भूख पे किया था और किसी ने ऐसी क्रिया पे कर दिया जो उसको पता ही नहीं कि हो रही, जैसे आप पलक झपकना, पसीना आना, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जिस पे आपकी कंट्रोलिंग नहीं है। आप देखिए, इन्होंने भी एक क्या लिया, लैब लिया, प्रयोगशाला, जो साउंड प्रूफ था ताकि बाहर की आवाज़ें ना आए। अब उसमें क्या था, अरे यार, उसमें एक कुत्ता इन्होंने, बस हर बार बेइज्जती होती है, ब्रांड दीजिए, उसमें इन्होंने एक कुत्ता क्या किया, बांध दिया एक्सपेरिमेंट के लिए, लार ग्रंथि में उसके काउंटिंग के लिए, मतलब जहाँ से लार स्राव होता है उसको कंटेनर वहाँ पे लगाया, और एक मीटर लगाया कि कितनी लार गिर रही। अब ये एक्सपेरिमेंट का जो स्टार्टिंग हुआ वो कैसे हुआ, जब ये कुत्ता इस लैब में बंद था तो एक निश्चित समय पर भोजन आता था, अब उसको भूखे थोड़ी मारना था, तो जो भोजन लेके आता था पहले तो ठीक है, जब भोजन देखता था तब इसकी लार गिरती थी। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जो भोजन लेके आता, तो आपको पता है पैर की आहट बहुत तेज कुत्ते पहचानते हैं ना, वो उसकी पैर की आहट सुनता था और इसकी लार गिरनी शुरू। तो पावलाव ने सोचा, यार पैर की आहट से लार का क्या संबंध, समझ रहे ना, जान के नहीं कर रहा था कि कूद रहा था, वो लार ऑटोमेटिकली उसके जैविक अनुक्रिया हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि पैर की जो आहट है वो क्या भोजन के बराबर है। तब इनके दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट आया कि देखूं क्या इस प्रकार से भी सिखाया जा सकता है, कि कोई नकली चीज से, कृत्रिम उद्दीपक से आप किसी को कुछ सिखा दें। यहां से इनका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया, भोजन आता था लेके, ठीक, तो बीच में इन्होंने एक चीज लगाई, घंटी, और घंटी बजा के इसको भोजन देने लगे। तो शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये क्या किया, इसको पता चल गया कि घंटी जब बजेगी उसके निश्चित समय बाद हमको भोजन मिलेगा।
तो इसकी लार घंटी सुन के गिरती थी जैसे उसके पैर की आहट सुन के गिरती। ठीक, अब आश्चर्य की बात यह कि जितनी लार कुछ दिन बाद सिर्फ भोजन पे गिरती थी उतनी ही मात्रा में लार सिर्फ घंटी सुन के गिरने लगी। ये बड़े आश्चर्य में पड़े कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम इसके जो आदतें वो बदल गई, वो भी जैविक आदतें जिसपे इसकी कंट्रोलिंग नहीं। अब कूदना तो अलग बात है, हमारा मन नहीं कूदेंगे, लेकिन लार गिराने पे हमारा मन नहीं चलता। तो जैविक क्रियाओं को इन्होंने क्या कर दिया, अनुकूलित कर दिया। अनुकूलन जानते ना, अडॉप्शन, किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना, इसलिए इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे जो सिद्धांत है उसको हम इस समीकरण से देखेंगे। UCR, UCS, UCR, अभी बताती हूँ क्या। UCS plus CS, UCR, CS, CR, ये इसके तीन प्रमुख इक्वेशंस हैं इस सिद्धांत के। अभी घबराइए मत, एकदम आप समझ जाएं। अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब बिना कंडीशन के, बिना किसी अनुबंधन के, अनुबंधित उद्दीपक भोजन। अब भोजन जब आएगा तो लार तो गिरेगी ना, तो बिना अनकंडीशनल रिस्पांस, मतलब बिना किसी कंडीशन के रिस्पांस, हमने कोई शर्त नहीं लगाया कि घंटी बजा के देंगे। जनरली अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या, भोजन नेचुरल चीज है, ये नेचुरल क्या है रिस्पांस, लार गिरेगी। फिर इन्होंने दूसरा स्टेप किया, अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब भोजन साथ में क्या, घंटी, मतलब घंटी बजा के तब क्या किया, भोजन दिया, लेकिन इसकी गिरी क्या, लार तो गिरी लेकिन अनकंडीशनल किसके लिए गिरी, भोजन के लिए। इसे क्या पता घंटी के बाद मिलता है, पहली बार थोड़ी घंटी के लिए लार गिरा दिया था, तो अनुकूलित होगा ना। करते 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 क्या हुआ कि सिर्फ घंटी बजाई और इसका क्या, लार गिरा, मतलब कंडीशनल रिस्पांस ये क्या, घंटी, और क्या हुआ कंडीशनल स्टिमुलस क्या हुआ, घंटी, और कंडीशनल रिस्पांस क्या हुआ आपका, लार। तो ये अनकंडीशनल नहीं था, ये कंडीशनल था, क्योंकि भोजन पे अनकंडीशनल गिरेगा ना, ये घंटी पे गिरने का क्या औचित्य। और यहीं से जो बॉन्ड बना CS और UCR का, कि ये इन्होंने घंटी से नेचुरल लार गिरा दी, इसको कहते हैं अनुकूलन, यही इनका पूरा एक्सपेरिमेंट। अगर इनका एक्सपेरिमेंट यहां से आपको याद है तो वहां कभी नहीं घबराएंगे, बस याद रखिएगा अनकंडीशनल मतलब अनअनुबंधित, मतलब अनुबंधन नहीं है। अनुबंधन कब होता है, जब S और R को जोड़ते हैं ना, और यहाँ कोई जोड़ नहीं, सिर्फ भोजन पे गिरेगा। अनअनुबंधित आपका जो उद्दीपक है, मतलब भोजन पे लार तो स्वाभाविक है, वो तो हमारी भी गिरती है, उसकी भी गिर रही। फिर क्या, घंटी बजा के भोजन दिया तब भी भोजन के लिए गिरा, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस प्लस कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब भोजन प्लस घंटी, तो किस पे गिरी। अब वहाँ देखिए CR भी लिख सकते थे, लेकिन घंटी के लिए नहीं गिरी थी, वो भोजन के लिए गिरी थी, इसलिए वो भी नेचुरल है। लेकिन फिर जब इन्होंने जो सीखना हुआ इसका सांस्कृतिक, जो आपका ये शास्त्रीय अनुबंधन है, इसमें घंटी बजाने पे उतनी मात्रा में लार गिरने लगे, अर्थात घंटी बराबर भोजन। तो किसी को सिखा दो कि घंटी जो होता है वह भोजन होता है, कुछ दिन बाद पता चले घंटियाँ खाने लगे, सिखा तो दिया इन्होंने ना। अब घंटी को देख के लार गिराएगा मतलब घंटी खाएगा ही, लेकिन होता ऐसा नहीं, लेकिन उसकी आदतें क्या हुई, बदल गई ना, वो भी जैविक आदतें। इस जो ये आपका सिद्धांत है, इसका मूलभूत आपका ये टर्म है, आप समझिए इसको मेरी बात, कि अगर किसी बच्चे में ऐसी कोई आदत है जो खराब है, उसको चेंज करना है, तो हम कृत्रिम उद्दीपक से भी उसको चेंज कर सकते हैं। अगर भोजन अवेलेबल नहीं है तो नकली कुछ ऐसा उद्दीपक जिससे उसकी चीज़ें चेंज हो जाए, अर्थात जैसे वही है ना आतंकवादी बनाने वाला हाल है, कि ऐसे चीज़ें आपको हाइपोथेसिस ऐसे बना दिया, ऐसे ज़्यादा कल्पनाएं दे दिया जाए कि आप क्या करें, बम विस्फोट करने चल जाए, खुद उड़ के दूसरों को भी मारे। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्या एक्चुअल में तो चीज़ें हो ही नहीं, उसको क्या किया गया, मोल्ड किया गया ना, वो मोल्ड करना क्या हुआ, आप उसकी जैविक चीजें बदल दे रहे हैं, मतलब उसकी आदतें, कि अगर खाता है इस हाथ से तो ऐसा कर दीजिए कि इस हाथ को भूल जाए, इस हाथ से खाने लगे। तो
यहाँ पे इसको इसलिए भी उतना अच्छा नहीं माना जाता कि लालच दे के आप किसी को नहीं सिखा सकते बच्चों को, इसकी डीमेरिट है कि आप हर रोज लालच दे के उसको सिखाएंगे। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें वो सीख ही नहीं रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप इस प्रकार से, इस सिद्धांत से सिखाएंगे। यहाँ तक समझ में खत्म? अब जाने स्किनर पढ़ाएंगे तो